क्या कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरी जब मुड़ती है तो रेल उसके ऊपर से गिर क्यों नहीं जाती? इंजन में कोई हैंडल तो होता नहीं है, तो फिर क्या चीज है जिसके कारण रेल के पहिए पटरी पर ही रहते हैं? चलिए आइए कुछ कप और स्केल के माध्यम से ये बात देखते हैं। पहले कुछ कप लीजिए जो तिरछे हो, और इनको तीन तरह के पहिए हम बनाएंगे, ऐसे जिसमें ये कोन जैसी शेप बाहर की तरफ हो। टेप से ये दोनों कपों को जोड़ दीजिए। एक दूसरा पहिया बनाएंगे जिसमें यही कोन जैसी आकृति अंदर की तरफ हो, और तीसरा ऐसा पहिया बनाएंगे जो बिल्कुल समतल हो, जिसमें कोई भी तिरछापन ना हो। और हम तीनों को अब चलाकर देखेंगे और देखेंगे कौन सा पहिया बिल्कुल पटरी पर रहता है। देखिए, ये समतल पहिया बिल्कुल सीधा गया, लेकिन अगर हमने इसे हल्का सा तिरछा करा तो वो नीचे लुढ़क जाता है। और ये दूसरी तरीके का पहिया जिसमें कोण अंदर की तरफ है बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, तुरंत ही पटरी से गिर जाता है। अब तीसरे तरीके का पहिया हम देखते हैं जिसमें कोण बाहर की तरफ है, और सबसे बढ़िया ये पहिया है, और रेल के पहिए भी बिल्कुल इसी आकृति के होते हैं, उसमें तीन अंश का कोण होता है। अब इसको हम कैसे भी मोड़ें, पहिया तुरंत वापस पटरी पर आ जाता है। देखिए कैसे डगमगाकर वापस पटरी पर ही रहा, गिरा नहीं। बहुत ज्यादा भी मोड़े तो भी यही, ये इसलिए क्योंकि ये पहिए की आकृति डिफरेंशियल का काम करती है। बाहर वाले पहिए को ज्यादा सफर तय करना पड़ता है, और पहिया का कोण ये निश्चित करता है कि जैसे ही वो एक तरफ मुड़े दूसरी तरफ पहिया वापस पटरी पर आ जाता है। तो इसीलिए हमारे रेल के पहिए भी इसी आकृति के होते हैं। देखिए बच्चे कैसे मजे से खेल रहे हैं।